सो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो जो है मैं तब शूट कर रहा था, मतलब थोड़ा सा व्लॉग जो है सिस्टर के साथ डे स्पेंड किया था मैंने, सिस्टर और जीजू के साथ। तो वो जो व्लॉग है वो मैंने तब शूट किया था जब मेरे एग्ज़ाम्स चले थे, मतलब डाल नहीं पाई थी क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा सा बिजी थी मैं, तो मैंने डाला नहीं था। बट मैंने शूट कर लिया था वो वाला सीन तो पहले के ही, ये वाले सारे सीन जब मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। बाकी जो फैमिली आई थी पापा के फ्रेंड की, वो सब तो अभी हाल ही का एक दो दिन पहले का ही व्लॉग है वो मेरा। सो व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और अभी जो है रात के बज रहे हैं, क्या टाइम है, रात के बज रहे हैं 4:15 और मैं 4:15, ओ माय गॉड, सुबह के 4:15 हो गए और मुझे बहुत बहुत नींद आ रही है। बट मैं क्या करूँ, मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है आप लोगों के लिए, सो जल्दी से करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। काफ़ी टाइम हो गया कोई ब्लॉग नहीं बनाया है। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ गाड़ी के अंदर, और जैसे कि आप लोग मैं हूँ कार में, लेज खा रही हूँ। सुबह का टाइम हो रहा है, आई मीन दोपहर का टाइम हो रहा है, 1:45। काम की बात बताओ जल्दी, लेज खा रही हूँ। आपको कैसा लग रहा है? आपको कुछ बात करेंगे भैया, इन्हें कुछ कहना है, कैसा लग रहा है? पहले मैंने डांट दूँ। अच्छा डांट लो, मैं तुम्हारे व्लॉग्स वालों को भी बता दूंगी कि हस्बैंड लोग बहुत परेशान करते हैं। अच्छा वही मैं जा रहा था, चलो तुम आगे, मैं तो जा रहा था। सो गाइस, इसको कहते हैं छोला रोल, कुलचा रोल। स्ट्रीट फूड्स के लिए हम लाए हैं नई डिश, इसे कहते हैं कुलचा रोल। इसके अंदर छोले हैं। ओ एक उठा ले भाई। सो गाइस ट्राई करते हैं। नाइस। इसके कुलचा खट्टे भी नहीं ना। वेरी डन कह रहे हो यार, वेरी गुड। सो गाइस हमने खाए थे छोले रोल, छोले क्या खाए थे हमने, कुलचा रोल, कुलचा रोल खाया था। अब हम क्या खाने आ गए, क्या है द फेमस डोसा, तो हम खाना है द फेमस डोसा। अभी सांभर वगैरह है। और क्या मंगाया तुमने? सिंगापुर चाउमीन, बहुत फेमस। सो गाइस ये आ गया डोसा, बढ़िया बनवाई। सो गाइस चलिए टेस्ट करते हैं इसको, कैसा है भाई? सिंगापुरी चाउमीन, सो गाइस ये देख सकते हैं अब, ये है सिंगापुरी चाउमीन और इसमें आप पनीर के पीस देखिए कितने बड़े बड़े हैं। ये देखो गाइस इसमें पनीर कितने बड़े बड़े पीस है पनीर के। इसको भी टेस्ट करता हूँ, चाहिए कैसे करते, इसे 12 महीने चाहिए। अब ये तो 8 महीने का, वैसे 8 महीने तो कैसी आपको कैसे लगी फाइव? गाइस चाउमीन बहुत बहुत टेस्टी और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है चाउमीन, मतलब बहुत टेस्टी। मैंने ऐसी चाउमीन नहीं खाई, बहुत बहुत टेस्टी। ये है सिंगापुरी चाउमीन और इसके नूडल्स इतने सॉफ्ट है, बहुत बहुत सॉफ्ट नूडल्स हैं इसके, मज़ा आ गया। इस चाउमीन में देखिए कितने बड़े बड़े पनीर का पीस होता है, ये देखिए कितना बड़ा पीस है पनीर का।
यही बातें तो खाने में अच्छी लगती हैं। बहुत टेस्टी चाउमीन है, बेस्ट चाउमीन। So guys, भाई ने नया काम शुरू कर लिया है। नया बिजनेस शुरू हो गया हमारे भाई का माशाल्लाह से। शायद भाई भी इसमें दोनों ने काम शुरू करा है। बड़ा लगन थी फाइज को रिक्शा वाला बनने की। अब स्टेटस पे लगाऊंगी देखो, ये हमारे न्यू रिक्शे वाले भाई साहब। सो गाइस, रात को मैं और अफ्फो निकल पड़े थे शॉपिंग पर, जिसको शॉपिंग करने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे और हमें लग रही थी भूख। तो हमने सोचा कि उन्हें गोलगप्पे खाते हैं, और गोलगप्पे इतने टेस्टी थे। इन्होंने हमें 5 फ्लेवर्स के गोलगप्पे खिलाए थे, अलग अलग फ्लेवर थे, पुदीना, ज़ीरा और रेगुलर, और भी दो और हमें मुझे याद नहीं है। हाँ, हींग भी है एक इसमें से। और जो सबसे अच्छा पानी था ना, वो रेगुलर था। सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैंने कौन सा फ्लेवर टेस्ट कर लिया है। मतलब एक गोलगप्पे में एडिक्शन हो गई थी उसकी, इतना टेस्टी पानी था। रेगुलर नाम है उसका, क्या कैसे बनता है क्या है ये तो नहीं मालूम, मगर बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी थे इसके गोलगप्पे। ये हमारे घर से थोड़ा से आगे मिलते हैं और ये रात को लगाते हैं। सबसे अच्छी बात, आप रात को भी गोलगप्पे खा सकते हैं ईजिली, 1 बजे तक गोलगप्पे मिलते हैं इनके पास। और सारे फ्लेवर्स बहुत अच्छे थे, और अफ्फो ने रेगुलर बताया मेरे को। मैंने नहीं खाया था, मैं शूट कर रही थी, अफ्फो गोलगप्पे खा रही थी और मुझे बताती जा रही थी अच्छा ही अच्छा है। तो उन्हें भी रेगुलर बहुत अच्छा लगा था और मुझे भी, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। थक गए थे, हमने सोचा थोड़े से गोलगप्पे खा लेते हैं। खाने को और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मगर हमने गोलगप्पे चूज करे। और गोलगप्पे खाने के बाद और खूब सारी शॉपिंग करने के बाद हम लोगों को लग गई थी प्यास, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी बाहर और मन कर रहा था कुछ ठंडा ठंडा पीने का। तो हम लोगों ने थम्सअप और पानी को अलावा छोड़कर हम लोगों ने टेस्ट किया बादाम शेक, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मतलब बादाम शेक एकदम लिटरली इतना ज़्यादा ठंडा था ना, और इतना टेस्टी लग रहा था उस टाइम पर। और मैंने और अफ्फो ने खूब इंजॉय किया, हमने बादाम मिल्क भी पिया और आ गए थे घर। भनकता भनकता दिख रहा है, आज सुबह हमें सरप्राइज मिला है। ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप आयशा की दुनिया? आप काफी दिनों बाद आए ईद के निकलने के। हाँ तो आज इनके एग्जाम्स खत्म है। हाँ तो कैसी हो आप? है हाँ तो चले गाइस, थोड़ी देर इनको पानी वानी पिलाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस बच्चे बैठे हुए हैं, नमाज का टाइम है, आज है फ्राइडे और टाइम देख सकते हैं आप 1 बज रहा है। और अभी हम फ्रेश नहीं हुए हैं, हम कर रहे थे पहले घर की साफ सफाई, तो साफ सफाई डन हो चुकी है और अभी जो है हम लोग करने जा रहे हैं। व्हाट्स इनसाइड माय बैग करने वाली हैं ये जो करेंगी, इनको आपको ये इनकी चैनल पे देखने को मिलेगा। फिलहाल ये आई हैं और इन्होंने सरप्राइज हमें ये दिया है कि ये मिलने ही नहीं। मेरे पासी का व्लॉग, मेरे देवासी का व्लॉग, मेरे चौवासी का व्लॉग, मेरा 85 का व्लॉग नहीं आ रहा है, स्टोरेज प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और कुछ मेरी वीडियोज है ना एरर आ गई, इन वैसे ब्लॉग में देख पा रही। अगर आप लोग को ये मैसेज मिल रहा है तो आप लोग वेट करें, इंशाल्लाह व्लॉग आएगा। सो गाइस, इनकी स्टोरेज इशू की वजह से ये ब्लॉग नहीं डाल पा रही हैं, बट ये शो नहीं हो रही, कोई मसला आ गया है इनके आईफोन में। तो अगर आप लोग के आईफोन में भी यही प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस आईफोन बेटर और एंड्रॉयड बेटर। वैसे मुझे ऐसा लगता है इनको देख कर कि एंड्रॉयड बेटर फॉर इट्स कैमरा क्वालिटी, बट एंड्रॉयड इज बेटर फॉर देयर स्टोरेज। आईफोन इज बेटर फॉर स्वैग, वो सिर्फ स्वैग के लिए है। अगर आपको दिखाना ना भाई, हम अमीर हम पे आईफोन है तो वो बस इसी के लिए है। आजकल गरीबों में ऐसी बात नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आईफोन के अंदर जो क्वालिटी उन लोगों को और देनी चाहिए थी ना, उन लोगों ने वो स्टोरेज को बेकार कर दिया बिल्कुल। जिस आईफोन वालों को पूछो वो बेचारा परेशानी में है कि हम पे जगह नहीं है फोन में, और हम एंड्रॉयड वाले इतने खुश हैं, इतने खुश हैं हमारे। आई अभी जो है मेरे फोन के अंदर 4 से 5 ब्लॉग पड़े हैं, तो आप सोचे एंड्रॉइड वाले फालतू बनाती रहोगी तो सही होगा। खामा खामे फालतू, मेरा काम है व्लॉगर हूँ मैं। ये उन्हें बोला है, उन्हें क्या खाना है हयात? आपको हयात क्या खाना है आपको? हयात का मैंने गोलगप्पे खाने का, और उन्होंने बोला कि वो पूरी 2 प्लेट गोलगप्पे खाएंगी। तो ये आ चुके हैं उनके गोलगप्पे, गर्मी हो रही है, उन्होंने बोला बाहर नहीं, यहीं पर ही मंगा दो, तो हमने उनके लिए मंगा दिए गोलगप्पे। तो भी चलते हैं जल्दी से। हैप्पी हाथू, हाथों को गोलगप्पे बहुत पसंद है, चलते हैं गाइस। आप खाओ
आज जो है गेस्ट आने वाले हैं, सिस्टर भी आई हुई, वो तो खैर सुबह ही आ गई थी। तो गेस्ट आने वाले हैं वो है पापा के फ्रेंड की फैमिली आने वाली है। सो मैं आपको रूम टूर भी दे देती हूँ, मतलब घर का जो मैंने डेकोरेशन वगैरह की थी ईद पे मैंने वैसे ही कर दिया। ईद पे तो टाइम ही नहीं मिला था बिल्कुल भी, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो मैं आपको देती हूँ रूम टूर कि मैंने कैसे डेकोरेट किया और ईद पर भी मैंने कैसे डेकोरेट किया था। तो अभी मैं आपको रूम टूर देती हूँ पहले। सो गाइस ये है मैंने करा है कमरा डेकोरेट अपना। ये आ गए कर्टेंस, ग्रीन एंड क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन। ये आ गई बेडशीट, ये फाइल आ गए हैं, ये देख सकते हैं आप। नीचे मैंने वाली जो है मैंने मैट्रेस बिछा कर ऊपर बिछा दिए बेडशीट। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि रूम कैसा लग रहा है। अभी मैं आपको बाहर का भी रूम टूर देती हूँ और नेक्स्ट रूम जो है वो वाला भी। फिलहाल अभी वाला देखें कैसा लग रहा है आपको और कमेंट करके बताएँ। ये है सेकंड रूम, ये आ गए यहाँ के कर्टेंस, ये बेड आ गया है, ये यहाँ पर आ गए हैं सोफे। ये है हमारा सेकंड रूम, टीवी वगैरह आ चुका है। लोग कमेंट करके बताएगा कि कौन सा रूम ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी गैलरी। सो गाइस ये आ गई ये गैलरी यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। मैंने कहा रूम टूर दे देते हैं। ये हयात जा रही हैं, ये देख सकते हैं गाइस आप। ये आ गए हैं यहाँ के कर्टेंस, ये आ गया है किचन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सबसे अच्छा डेकोरेशन किस जगह के लिए। वैसे तो माशाल्लाह से सब कुछ ही अच्छा लग रहा है। फिलहाल गाइस गेस्ट आने वाले हैं तो हम जा रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए, खाना वगैरह बनाने के लिए। और आज जो है गाइस हमने बनाया है बिरयानी। बिरयानी तो मस्ट है, वो तो बनती बनती है। तो बिरयानी बनाई है हमने और बनाया है हमने अचारी मटन गोश्त, हाँ आज हमने वो बनाया है। बाकी गेस्ट जब आएंगे तब हम आपसे मिलते हैं। फिलहाल थोड़ी देर के लिए मुझे चाहिए आप लोगों से इजाज़त कि मैं कर लूँ अपना आगे का काम। बाय बाय। पूरा आ गया क्या हुआ? ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा जी स्वयं महीना भी ढूंढो जून जुलाई में से महीना भी ढूंढो। सो गाइस सब खाना खा रहे हैं। अंकल कैसा लगा खाना? बढ़िया। अच्छा लगा आपको? कैसा लगा पापा? थैंक यू। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे फोन में लगे हुए हैं बस। ये वो साहब है अभी ये नशेबाज को मिल गया। तो गाना डाल दिए। मैं पीछे से गाना वाली दिल लगी को दिल लगी ना लगे और दिल लगी को दिल लगी ना लगे। मेरे पास गेस्ट जा रहे हैं अब। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। बाय अंकल। बाय बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।